नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। रुक करेंगे देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर यूपी के रामपुर से है, जहां आज तकरीबन 5 घंटे रामपुर में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहेंगी। रामपुर पहुंचने के बाद राजा लाइब्रेरी में आनंदीबेन पटेल समीक्षा बैठक करेंगी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर का स्वागत करने राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओखल पहुंचे। शहर विधायक आकाश सक्सेना, मिलक विधायक राजबाला सहित भाजपाई मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल के रामपुर आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सालों बाद नगर निगम सरकारी विभागों से संपत्ति कर वसूला गया है। सरकारी विभागों पर नगर निगम का 34 करोड़ 38 लाख संपत्ति कर एएमयू पर बकाया है, और साथ ही नगर निगम सरकारी विभागों से संपत्ति कर वसूली की धीमी प्रक्रिया को लेकर नगर आयुक्त विनोद कुमार ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी सरकारी केंद्र सरकारी विभागों को संपत्ति कर जमा करने के संबंध में अधीनस्थों को स्वयं समन्वय संपर्क और संवाद करने की हिदायत दी है। नगर आयुक्त ने नगर निगम संपत्ति कर के बड़े बकायेदार और साथ ही सरकारी विभागों पर लगभग लाखों से करोड़ों रुपए बकाया होने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए अगले 15 दिनों में नगर निगम संपत्ति विभाग को सभी सरकारी विभागों में जाकर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स रहता है, जिसमें हमारा सीवर का, जल का और प्रॉपर्टी का टैक्स रहता है, और उसकी वसूली हम लोग लगातार कर रहे हैं। और जो हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं नगर निगम क्षेत्र के, उनकी भी वसूली की जा रही है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां सराफा बाजार में दर्दनाक हादसा हो गया। रील बनाने के चक्कर में जोहरी प्लाजा में स्लो मोशन में युवक रील बना रहा था। रील बनाते समय जाल को उठा रहा था, चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल पर गिर गया। जाल युवक की गर्दन पर गिर गई, जिसकी वजह से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। दर्दनाक हादसे के बाद जोहरी प्लाजा लोगों में दहशत का माहौल है। साथ ही सराफा बाजार में मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां एक मानवीय तस्वीर सामने आई है, जहां एक दरोगा ने दिल का अटैक पड़ने वाले बुजुर्ग की ना बस जान बचाई है, बल्कि खाकी को लेकर लोगों की धारणा को भी कुछ हद तक बदल ही दिया है। आपको बता दें कि एक बुजुर्ग को रास्ते में अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो नीचे गिर गया। उसी दौरान वहां मौजूद दरोगा ने उसे देखकर तत्काल सीपीआर देकर जान बचाई है, जिसके बाद से सीपीआर देकर बुजुर्ग की जान बचाने वाले दरोगा की जिले में चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां एक तरफ प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में बेहतर शिक्षा का दावा कर रही है, वहीं देवरिया जिले के पत्थरदेवा विकास खंड में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमुआ दुबे में पिछले 6 महीने से शिक्षक के अभाव के चलते ताला बंद है। बताया जा रहा है कि इस विद्यालय में एकमात्र महिला शिक्षक की तैनाती की गई थी, जो मार्च 2024 में सेवानिवृत्त हो गई। तब से यहां पर किसी भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है और पूरा विद्यालय परिसर ताले के भीतर कैद हो गया है। यहां के छात्र आसपास के विद्यालयों में जाकर शरण ले रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण का कहना है कि काफी दिनों से विद्यालय बंद पड़ा हुआ है। जी, मेरा नाम वीरेंद्र गुप्ता है, हम एक अस्थायी निवासी हैं और काफ़ी दिनों से स्कूल बंद है। एक मैडम आती थी, बट यहाँ पे बच्चे ना आने के कारण शायद वो भी चली गई, या जहाँ आई थी वहाँ चली गई, ऐसा सब बोलने वाले हैं, मतलब यहाँ के निवासियों का। तो काफ़ी दिनों से स्कूल बंद है और बच्चे भी अब जो यहाँ से पढ़ने वाले थे, फिर अब मैडम नहीं आएंगे, टीचर नहीं आएंगे, फिर कहाँ पढ़ेंगे, फिर दूसरे जगह जाके बच्चे से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम वीरेंद्र गुप्ता है। हैं मीनी आंगनबाड़ी है,
यही आमोद दुबे स्कूल पर हम लोग केंद्र चलाते हैं। यहाँ पर एक मैडम थी, वो रिटायर हो गई मार्च में, तब से एक मैडम चार्ज पर आती थी नोनिया पट्टी का, वो भी चलाई अगस्त तक स्कूल, उसके बाद से वो भी अपने स्कूल पर चली गई है। यहाँ कोई मास्टर टीचर एक कोई है नहीं, इसीलिए वो स्कूल बंद हो गया है। खबर यूपी के हाथरस से है, जहां दो बाइक सवारों की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों द्वारा एक को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दो घायलों को अलीगढ़ मेडिकल रेफर कर दिया गया है। इसके साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ पे रेफर किया हुआ? अलीगढ़ मेडिकल। तो ये किस किस के बीच एक्सीडेंट हुआ था? जानकारी दो बाइकों के बीच में आपस में एक्सीडेंट हुआ, दोनों में जो एक का फेस पे ज्यादा इंजरी, एक की हेड इंजरी है। खबर यूपी के हाथरस से है, जहां दो वर्ष के मासूम की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बच्चे को देर शाम बुखार आ गया और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बच्चे की ऐसी हालत देख परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां मौजूद डॉक्टर ने बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए हाथरस जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं परिजनों ने सीएचसी के डॉक्टर पर लापरवाही और अस्पताल में न बैठने का आरोप लगाया है। ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये सर्दी में था, तो डॉक्टर ने बोला था हाथरस ले जाओ, इसे ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए एम्बुलेंस की सुविधा लेने में हॉस्पिटल बीमारी क्या है, रेफर कराने के लिए गया तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगी डॉक्टर साहब को रेफर करने में, और वो भी उनके रूम पे जाना पड़ा, हॉस्पिटल में नहीं थे वो। बीमारी क्या है? बीमारी कुछ नहीं, सर्दी में था तो सांस लेने में दिक्कत थी। कौन से स्वास्थ्य केंद्र पे गए थे? हसैन में थाने के सामने हॉस्पिटल है, हसैन स्वास्थ्य केंद्र पे। हाँ, वहीं से इसको रेफर कराया। सरकारी है? सरकारी। हाँ जी, और फिर वहाँ से भी 1.5 घंटा लिया एम्बुलेंस ने यहाँ तक आने में। तो वहाँ डॉक्टर नहीं थे? कितना टाइम हो रहा अभी आप बताइए। डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे? डॉक्टर नहीं थे हॉस्पिटल के अंदर। तो आप कहाँ रूम में थे? अपने रूम में। हाँ, अपने उनके रूम में जाके बात की थी मैंने, मैं मेरे लड़के की तबियत खराब है, इसे रेफर कर दो। तो क्या कहा फिर उन्होंने? जब उन्होंने रेफर किया कम से कम 15 से 20 मिनट में। कितने बजे की बात है जब रेफर किया? रेफर ऐसा हुआ करीब 5। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां कानपुर नगर अध्यक्ष फजल महमूद मंच की मर्यादा भूलकर भरे मंच से कानपुर के दोनों विधायकों को अपमानित किया। मंच पर माइक से ही विधायकों को नगर अध्यक्ष धमकाने लगे, विधायक को तमीज में रहने की सलाह दे डाली। पद की मर्यादा भूलकर मंच से सपा नगर अध्यक्ष अभद्रता करने लगे, जिसके बाद फजल महमूद को प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मंच से फटकार लगाई, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के बीच बचाव करने पर मामला शांत कराया गया है। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां मैनाठेर क्षेत्र के तहारपुर गांव में एक युवक को हाथ पैर बांधकर तालिबानी सजा देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि चोरी के शक में युवक की पिटाई करने के बाद दोनों हाथ पांव रस्सी से पेट्रोल पंप के खंभे से बांधकर तालिबानी सजा दी गई है। अरे यार, खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान 10,000 का इनामी गौकश शाहबाज गोली लगने से घायल हो गया। आपको बता दें कि गौकश शाहबाज शातिर किस्म का गौकश है, जो जंगलों में गौकशी करता है। घायल गौकश के पास से गौकशी के उपकरण, स्कूटर और तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि शातिर गौकश के विरुद्ध गौकशी जैसे संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सर, मुठभेड़ हुई है आज खतौली थाना क्षेत्र में, नहर की पटरी पे खतौली पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक स्कूटर सवार व्यक्ति को बहुत तेजी से आते हुए दिखाई दिया, उसको रोका गया तो वह रुकने की बजाय वापस मुड़ करके भागने लगा। वापस मुड़ने के क्रम में वह नीचे गिर गया, जब पुलिस उसकी तरफ दौड़ी तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा जो फायर किया गया उससे उसके वो गिर गया, और जाके देखा गया तो उसके पैर में गोली लगी थी।
उससे उसका नाम पता पूछा गया और भागने का कारण पूछा गया, तो उसने अपना नाम शाहबाज बताया और खतौली निवासी बताया और उसका कहना था गोकसी में मैं वांटेड था और आज मैं ये इन सब खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां हॉलीवुड की अभिनेत्री बताई जाने वाली महिला ने सहारनपुर की राजनीति में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके भूचाल मचा दिया है, जिसकी वजह से सहारनपुर की राजनीति में हलचल मच गई है। सोशल मीडिया अकाउंट पर महिला ने महानगर अध्यक्ष और विधायक पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। वहीं सहारनपुर के नेता पूरे घटनाक्रम को फर्जी बता रहे हैं और उन्होंने बताया है कि उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। खबर नागौर से है, जहां खीवसर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के एआईसीसी सेक्रेटरी और प्रदेश संगठन प्रभारी चिरंजीव राव नागौर पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस कार्यालय में जिले से जुड़े सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। बैठक में मकराना विधायक जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रभारी सचिव का स्वागत किया है। इसके बाद प्रभारी चिरंजीव राव ने जिले के एक एक पदाधिकारी से खिउरस चुनाव को लेकर राय ली है। आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अलवर जिले की राजगढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र के फिरोजपुर स्थित मनसा माता मंदिर में चोरी के मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वह इस मामले को लेकर थाना अधिकारी रामजीलाल मीना ने बताया कि फिरोजपुर स्थित मनसा देवी के पुजारी ने मामला दर्ज करवाया था कि 2 अगस्त की रात्रि में अज्ञात लोगों ने दान पात्र को तोड़कर रकम चुरा ली और उसका मोबाइल लेकर फरार हो गए थे। दिनांक 3 अगस्त 2024 को श्री रामजीलाल भगत पुजारी मनसा माता मंदिर फिरोजपुर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो मनसा माता मंदिर में पुजारी हैं और रात्रि के समय अज्ञात व्यक्तियों ने दान पात्र तोड़कर रकम चुरा ली और उसका मोबाइल ले गए, पुजारी का मोबाइल ले गए। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते कुछ बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी है। बता दें कि युवक अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रहा था, वहीं कार सवार बदमाशों ने पहले पीछे से युवक के बाइक को टक्कर मारी, फिर बाद में चाकू और पाइपों से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बाइक से आ रहे थे, दादाबाड़ी वाले नया रिंग रोड, उस रोड से जा रहे थे तो पीछे से कार वालों ने टक्कर मारी। उन्होंने दीवान बहादुर रिक्की और धन्नो और नीरज मोड़ा और स्टेफनी एक लड़का है और बाकी 5-6 अन्य लड़के थे। इन लोगों ने चाकू तलवारों से हमारे पे हमला करा। खबर नीमका थाना से है, जहां कोतवाली थाना इलाके के कोटडा पुराना बास बाईपास के पास से दो गुटों में आपसी खूनी संघर्ष हो गया। एक गुट के युवक ने दूसरे गुट के युवक पर फायरिंग कर दी। बता दें कि देर रात को खेत की रखवाली करते समय करीब 8 से 10 बदमाशों ने दो युवक पर फायरिंग कर दी है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना अधिकारी हरिनारायण मीना मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर राजस्थान के पाली से है, जहां मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। व्यापार मंडल की सूचना से सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में दो अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने अवैध रूप से देशी शराब बेचते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसको लेकर हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र ने बताया कि जिला पुलिस अध्यक्ष की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना क्षेत्र में दो अलग अलग स्थानों से अवैध देशी शराब बेचते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
राजसमंद के आमेट उपखंड की बुकरा गांव में सांप के काटे जाने से एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है, जिसकी पोस्टमार्टम को लेकर नेनाराम भील ने पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं इस मामले को लेकर एएसआई बद्रीलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नेनाराम अपनी पत्नी के साथ खेत पर चारा काटने का काम कर रहा था और सुगना खेत में खेल रही थी। इस दौरान सुगना को सांप ने काट लिया, जिसके उपचार के लिए उसे आमेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। सीकर में निजी बस चालकों द्वारा सूडान के 2 विदेशी यात्रियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि जलालुद्दीन और सिद्दकी नाम के 2 यात्री दिल्ली से जयपुर की यात्रा कर रहे थे, लेकिन बस चालक उन्हें खाटू श्याम जी ले आया, किराए और गलत स्थान पर ले जाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बस चालक और उसके साथियों ने दोनों विदेशी युवकों के साथ मारपीट की। दोनों युवक पिछले 2 साल से जयपुर में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। वहीं अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। We went from Delhi, we went to Dwarakwani station to take the bus. Then we booked the bus for 1400. We paid the money. He said he's going Jaipur. I said okay. Then we start like we went with him. But that time he was lying to us. He was not going to Jaipur. Your neighbor that year time is coming hard to jump. After we reach here, he didn't tell us that you reach your last. राजसमंद जिला मुख्यालय के द्वारकेश मेला ग्राउंड में प्रोजेक्ट समक्ष सखी के तहत राजीविका का मेगा ट्रेड फेयर और क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूहों के बैंकों और महिला निधि कॉरपोरेटिव बैंक के माध्यम से 21 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण हुआ है। कार्यक्रम में राजसमंद सांसद महिमा कुमारी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ और साथ ही राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी समेत अन्य पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी ने कहा कि आप सभी एसएचजी की कर्मठ महिलाएं हमारे लिए रोल मॉडल हैं और ये महिलाएं ना सिर्फ पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं, बल्कि अब आर्थिक रूप से भी अपना योगदान दे रही हैं। इनको उद्यमी बनाने के लिए प्रयास किया जाए, इनको आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जाए और इसी सोच के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में हमने जिले में सक्षम सखी प्रोजेक्ट एक प्रयास के रूप में जिले की टीम के साथ में हमने लॉन्च किया। इसके तहत सर्वप्रथम हम लोगों ने राजीविका की टीम के साथ चर्चा की कि क्या उनके नीड्स है। 2 करोड़ रुपए का लोन आज आप सभी लोगों को, इन महिलाओं को उपलब्ध करवाया है, जिसमें लगभग 1150 स्वयं सहायता समूह लाभान्वित हुए हैं और मैं समझता हूँ एक समूह में हम औसतन 12 परिवार होते हैं, तो आज अगर हम माने तो लगभग 14,000 परिवार इस स्कीम से लाभान्वित हुए हैं। कि हमारे मुख्यमंत्री जी एक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि एक लिमिटेड उसके अंदर रहते हैं, हम सबके पास भी बहुत से देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।